हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गाजर का अचार। गाजर का अचार बनाने के लिए गाजर को सबसे पहले किसी भी शेप में कट कर लेंगे। मैंने राउंड शेप में कट किया है, आप किसी भी शेप में कट कर लें। और इसके बाद गाजर में नमक ऐड करूंगी और 2 घंटे के लिए ढककर धूप में रख दूंगी। गाजर को धूप में रखे 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसे एक अलग पॉट में निकाल लूँगी। गाजर में नमक डालकर रखने से गाजर का एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और यही मेन कारण है जिससे हमारा अचार साल भर अच्छे से चल जाता है और ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब मैं इसे धूप में या पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दूंगी, जिससे गाजर अच्छे से ड्राई हो जाए। गाजर ड्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। हल्दी 1 चम्मच, लहसुन दरबरा कुटा हुआ 4 से 5 कली, भुने हुए सारे मसाले 2 चम्मच, मेथी धनिया काली मिर्च सौंफ सरसों दाना जीरा, ये सारी चीज़ें भूनकर बारीक पीस लिया है। लाल मिर्च 1 चम्मच, गन्ने का विनेगर 2 चम्मच, विनेगर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, 2 चम्मच नमक, और 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सर्दियों में गाजर बहुत आसानी से मिल जाती है, तो जब भी आपको इंस्टेंट अचार बनाना है आप गाजर का अचार बनाइए। इसे आप झटपट खाने के लिए भी बना सकते हैं और साल भर रख कर भी खा सकते हैं। जो मेन टिप्स मैंने दिया है उसे फॉलो करेंगे तो आपका अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा और साल भर चल जाएगा। अचार में जब भी नमक ऐड करिए अपने टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा ऐड करिए, बाद में नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसे एक जार में रख कर धूप में रख दीजिए। 2 या 3 दिन धूप लगने के बाद आप इसे यूज़ करिए। अगर धूप नहीं भी लगती है तो परेशान मत होइए, ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये गाजर का अचार कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।